रुमा खान, इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे शाही पनीर, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं। हमने ये 8 टमाटर लिए हैं और 4 प्याज लिए हैं, थोड़े लहसुन, अदरक का टुकड़ा, काजू। हम इसको टमाटर को काट करके डालते हैं इसमें। प्याज और टमाटर हमने ये मोटा सा काट लिया है, इसको हम डाल देंगे। ये अदरक के टुकड़े, थोड़ा लहसुन, ये 10-12 काजू, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, लौंग, 2-3 काली मिर्च, 1 ये बादियान। हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। हाफ टी स्पून सॉल्ट, वन टी स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर है ये, टू टी स्पून ये बटर ऐड करेंगे, इसको अब हम गलने के लिए रख देते हैं। इसको हम 20 मिनट तक गलाएंगे, कवर कर देते हैं फुल फ्लेम पर। 20 मिनट हो चुके हैं, ये गल चुका है, अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। ये साबुत गरम मसाले जो हमने डाले थे, हम उसको निकाल कर प्यूरी बनाएंगे। ठंडा हो चुका है, हम जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसकी हम प्यूरी तैयार कर लेते हैं। हम प्यूरी को स्ट्रेनर से छान लेंगे। ये हमने एक पैन में बटर ले लिया है, टेबल स्पून ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम इसमें सेकेंगे। अब हम इसको थोड़ा पलट देंगे, ज़्यादा देर हमें फ्राई नहीं करना है। इसको पनीर अब हो चुका है फ्राई, इसमें हम प्यूरी ऐड करेंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथ से पकाएंगे, जिससे पनीर हमारा ना टूटे। डालेंगे हम जावित्री पाउडर, 1 पिंच हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, 1 थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर बनाकर डालेंगे, 1 नमक हम टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा और ऐड करेंगे। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, 1/2 कप के करीब इसमें ऐड कर देते हैं।
तो नाज़रीन, ये हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। चलिए सर्व कर लेते हैं इसको। देखिए कितनी स्मूथ, कितनी सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। थोड़ी क्रीम के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। नाज़रीन देखिए कितना अच्छा ये शाही पनीर बनकर तैयार हुआ है। और आपको मेरी ये रेसिपी की वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ जल्दी हाजिर हूँ।